मदनी चैनल रिले मजलिस के तहत इफ्तार इज्तिमा वह कैंट पंजाब पाकिस्तान के दारुल मदीना में हुआ, जिसमें शख्सियात और दीगर इस्लामी भाइयों ने दारुल मदीना का दौरा भी फरमाया। वह कैंट चलते हैं। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत एना नाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत एना नाए हुसैन, नेक हो उम्मत एना नाए हुसैन। एजुकेशन एक इस्लामी लिहाज से भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मेरे ख्याल से ये इसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और हमारी तो सबकी यही दुआ होगी कि अल्लाह पाक हमें इस चीज़ की खिदमत करने की तौफीक अता करें, ताकि हम एक दीनी सिलसिले को पढ़ाई के साथ ले कर चलें। माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जितना बाहर से देखा या सुना था उस हमारी सोच से ज़्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पढ़े हुए बच्चे बच्चियाँ ना सिर्फ इस्लामिक दुनियावी तालीम में एक्सपर्ट होंगे, बल्कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ऊपर तक जाएँगे। ये दारुल मदीना जो सहूलियात और जो तालीम के हवाले से जो खिदमात यहाँ पे पेश कर रहा है, और ये इलाके के लोगों के लिए खुशनसीबी का बायस है कि इतना एक मियारी तालीमी निज़ाम जो इन्होंने मुतारफ कराया है यहाँ पर। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और आइंदा भी ये इस दारुल मदीना की और शाखें बनाएं, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को किसी तरह इसमें दाखिल करवा के और ये दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करा सकें।